सुप्रीम कोर्ट ने आज फेसबुक को राहत दी। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी ने दिल्ली दंगों के मामले में फेसबुक के अधिकारियों को समन भेजा था, पेश ना होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की कमेटी से ही उसके समन पर सफाई मांग ली। फिलहाल फेसबुक के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक इंडिया को समन भेजा था। ये समन फरवरी में दिल्ली में भड़के दंगों से पहले और उसके दौरान फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री की मौजूदगी को लेकर जारी किया गया था। फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। पहले समन के जवाब में फेसबुक के अधिकारी पेश नहीं हुए। उन्होंने यह जवाब भेजा कि संसद की भी एक कमेटी इसी तरह के मामले पर विचार कर रही है, अधिकारी वहां पर पेश हुए हैं, ऐसे में विधानसभा की कमेटी के समन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कमेटी ने इसे विधानसभा की अवमानना के तौर पर देखा और दूसरा समन भेजते हुए ये कहा कि अगर इस बार फेसबुक के अधिकारी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला शुरू किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस समन में फेसबुक को दिल्ली में दंगे भड़काने के एक आरोपी की तरह दिखाया गया। इसके खिलाफ फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट अजित मोहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समन के मुताबिक फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को कमेटी के सामने आज ही पेश होना था और पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। फेसबुक की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि जो समन की भाषा है वो अपने आप में आपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें फेसबुक को एक आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि वो महज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि गलत सामग्री को हटा दिया जाए, लेकिन उसे ही दंगे भड़काने के आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उसे कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, जबकि विधानसभा की किसी कमेटी में चलने वाली कोई कार्रवाई विशेषाधिकार के तहत नहीं आती है। विधानसभा के भीतर होने वाली कोई कार्रवाई जरूर विशेषाधिकार के दायरे में आती है, लेकिन एक कमेटी अगर किसी को समन भेजती है, बुलाती है, किसी बात पर जवाब चाहती है और वो पेश नहीं होता तो उसे इस तरह से नहीं धमकाया जा सकता कि उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करवा दी जाएगी। वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें फेसबुक के बारे में तमाम बयान दिए गए और उसे दंगे भड़काने के आरोपी के तौर पर बताया गया। ऐसे में वही कमेटी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसे निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है? जजों ने समन की भाषा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों पर हैरानी जताई और कहा हमें इस मामले में नोटिस जारी करना होगा। तभी विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी जिसने फेसबुक को समन भेजा था उसकी तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोल पड़े। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि आप नोटिस करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कार्रवाई पर रोक नहीं लगाइए, हम खुद ही अपनी कार्रवाई को फिलहाल टाल देते हैं। हमने फेसबुक के अधिकारियों को जो बुलाया था तो उन्हें आरोपी की तरह नहीं, गवाह के तौर पर बुलाया था और हमारा मकसद ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से बेहतर काम कर सकता है उस पर विचार किया जाए। जजों ने कहा लेकिन आपके समन की भाषा तो ऐसी नहीं लगती, उसमें तो सीधे सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है और आप कह रहे हैं कि उन्हें आरोपी की तरह नहीं गवाह की तरह बुलाया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि भाषा में कुछ कमी है, इसको भी हम सुधार लेंगे और नए सिरे से समन भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पर रोक ना लगाए, हम खुद ही ये वचन दे रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले का निपटारा नहीं कर लेता है हम फेसबुक के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी सुनवाई को टाल रहे हैं।
इस पर जजों ने कहा कि हम आपको नोटिस जारी कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, 15 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, हम आपके आग्रह पर अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है कि विधानसभा की कमेटी हमारी सुनवाई लंबित रहने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आपने जो समन भेजा था उसकी भाषा सुधार कर दोबारा भेजने की आपने बात कही है, हम आपको इसकी भी अनुमति दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारी सुनवाई लंबित रहने तक मामले में कोई आगे की कार्रवाई न की जाए। तो इस तरह से फेसबुक के अधिकारियों को, जिनके ऊपर की विधानसभा की तरफ से कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, विधानसभा कमेटी ने इस तरह की चेतावनी उन्हें जारी की थी, उससे फेसबुक को राहत मिल गई है और फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।